me. जरा तो यार पहले तो ये पकड़ लो भाई, पकड़ लो इसको, इसको भी, इसको भी पकड़ लो भाई, भागो मत, कैमरामैन यहाँ से दे दो। हाँ यार गाइज, अभी मुझे बताया, आप में से बहुत से लोग ये बोलते रहते हैं कि शिवानी को प्रपोज करो, शिवानी को प्रपोज करो, और काफ़ी टाइम मैं उन चीज़ों को इग्नोर भी कर देता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा साइड में हो जाता हूँ भाई, पहले तो चश्मा हसमा अच्छे से उतार लिया। तो यार एक चीज़ मैं आपको सच बता देता हूँ कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं शिवानी को प्रपोज नहीं करता हूँ। आप में से बहुत से लोग बोलते रहते हैं उसके बाद भी क्यों। एक्चुअली गाइस यार, आप लोगों से सच कहूँ तो शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का ऐसा होगा अगर वो उसके लिए फिट है तो वो उसको प्रपोज नहीं करना चाहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न है कि इतना आप लोग बोलते हो उसके बाद भी मैं उसको प्रपोज नहीं करता हूँ। देखो यार, सबसे बड़ा रीज़न है एज का, क्योंकि दोस्तों मैं जो हूँ एज की अगर बात करूँ तो शिवानी से कुछ साल छोटा हूँ, मतलब बहुत साल छोटा नहीं हूँ बट छोटा हूँ। अब आपको पता है यार, पता नहीं बट होता है यार, जब आप छोटे होते हो किसी से तो आप थोड़े कम मैच्योर होते हो, जब आप बड़े हो जाते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि शिवानी को ये ना फील हो कि यार जो मेरा पार्टनर है वो मुझसे छोटा है तो वो मुझसे कम मैच्योर होगा। कुछ ऐसी ऐसी बातें जो है ना वो मेरे दिमाग में हमेशा मतलब यार घूमती रहती हैं कि मैं फिर वही क्यों करूँ, मतलब ऐसा। ठीक है, और उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट जो है, ठीक है गाइस, सही बता देता हूँ आपको। देखो यार, मुझे नहीं पता है कि उसकी एज जो है उसकी, मतलब मेरे से बड़ी है वो, तो उसकी लाइफ में कोई आज की डेट में है या नहीं, मैंने पूछा भी नहीं उतने हार्ड तरीके से कि थोड़ा कोई बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है। हालांकि बहुत से लोगों ने भाई, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, बहुत से नेगेटिव कमेंट किए कि तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, बट जो सच्चाई थी वो चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। और गाइस सच कहूँ ना तो उससे भी बड़ा, जो एक बहुत बड़ा जिसको मैं मानता हूँ ना, मतलब प्रपोज ना करने का रीज़न, तो वो है कि भाई मैं आपको पता है एक विलेज से हूँ, विलेज से बिलोंग करता हूँ, एंड कहीं ना कहीं वो मैच नहीं बन पाता है क्योंकि वो शहरों में रही है हमेशा से। ठीक है, फॉरेन भी गई है, तो यार जब शादी होगी प्रपोज करने के बाद तो गांव में कैसे मैनेज कर पाएगी, ये सोचता हूँ मैं तो फिर घबरा जाता हूँ। क्योंकि यार देखो, हमारे गाँव में सिंपल सी बात कहूँ मैं आपको, तो काम भी करना पड़ता है, जो औरतें होती है मतलब हर एक चीज़ को वो निभाना पड़ता है। लाइक जैसे किसी की शादी होगी तो उसके बाद में जो फैशन वैशन होता है ना पूरा, वो मतलब ऐसे घूंघट डाल के रखना, वो सारी चीज़ें गांव में रहकर करनी पड़ती है। तो आई डोंट थिंक सो कि शिवानी ये सब चीज़ें मैनेज कर सकती है, क्योंकि देखो यार वो ऐसा नहीं है कि वो लड़की वैसी है, बट आप समझ सकते हो जहाँ से वो बचपन में रही है वहाँ से अगर मैं बात करूँ आज की, तो ये भाई मतलब एक डाउट सा पड़ जाता है यार दिल में। तो यार इन रीज़न की वजह से मैं जो है एज ए फ्रेंड ही इन सर्कल को चलने देता हूँ। ठीक है, बाकी यार फिर भी आप मुझे बताएं, आप में से बहुत से लोग इन जो चीज़ें हैं, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं है, इनको मिटाया जा सकता है, बट आप में से बहुत से लोग बोलेंगे भी ऐसे कि भाई छोड़ो, इससे क्या होता है, आप प्रपोज क्यों नहीं कर देते हो। तो मैं बोलता हूँ भाई, डायरेक्टली आप ये सारा का सारा प्रेशर जो है ना वो सामने वाली पार्टी को दे सकते हो। ठीक है, चाहे तो वो भी प्रपोज कर सकता है। ठीक है भाई, उसने कहा था कि वो रेडी है, तो यस मैं भी रेडी हूँ, कोई ऐसा इशू है ही नहीं। ठीक है, तो बाकी भाई आप शिवानी से सारा कुछ पूछ लेना। फिलहाल जब मैं ये ड्रेसिंग पूरी करके, ठीक है, शिवानी के पास गया तो एक्चुअली उसने क्या कहा गाइस, भाई वो सच में ऐसा कोई हैरान वैरान नहीं थी, वो ये देख के हंस रही है कि तुम कैसे लग रहे हो भाई देखने में। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है देखने में आज। अच्छा है लुक वाइज, थोड़ा लग रहा है मतलब भाई प्रोफेशनल थोड़ा सा होता है यार, मतलब वीडियो में आपको माफ़ी चाहूँगा, वैलेंटाइन डे था, थोड़ा सा हल्का सा उल्लू बनाया इसके लिए। ठीक है, सच्ची कान पकड़ के माफ़ी चाहूँगा, बट मेरा कोई ऐसा मकसद था नहीं यार किसी को उल्लू बुल्लू बनाने का, बट थोड़ा सा मैंने कहा चलो आप लोगों को हाइप दिया जाए। बाकी आपको करना क्या है वो तो पता ही है। चलो अभी शिवानी से सच्ची पूछते हैं कि उसको लग कैसा रहा था एक्चुअली। हो गया क्या, हो गया एक्चुअली भाई ये मैंने किसी और से मांग के लिए कपड़े, बेइज्जती ना करवाओ। ठीक है, तुम हंस क्यों रहे हो, पहले ये बताओ। पहली बार देख रही हूँ तुम्हें। तो हंसना क्या होता है, हंसी कंट्रोल नहीं हो रही, मैं क्या करूँ। बाकी गाइस जो मैंने वीडियो में बताया वो इसको भी नहीं पता है, वो इसको पता तभी चलेगा जब ये खुद मतलब पूरा का पूरा वीडियो देखेगी उसके बाद में, तो आपको तो पता ही है ना। और मैं देखो मैं किसके जूते पहन के बैठी हुई।
ये देखो ये सूट वूट में जनाब जी और मैं यहाँ पर उसमें क्या होता है यार, दिल अच्छा है ना, सूट वूट से क्या होता है, होता है मुझे ज्यादा मत दिखाओ तो आज तो पूरे चांस हैं, क्यों नहीं दिखाएं। देखो ऐसा है, ज्यादा ना मुस्कुराओ पीट दिए जाओगे, ठीक है। वैसे भी गाइज तुमको पता ही है भाई, फीलिंग का मजाक उड़ाया ना तुमने, उड़ाया कि नहीं? फीलिंग का नहीं उड़ाया गाइज, मैं ये कह रही हूँ आज ये बहुत स्मार्ट दिख रहा है और इसीलिए मुझे ज्यादा रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि मैं घर के कपड़ों में हूँ। अच्छा जैसे बोल तो ऐसे रही है कि फर्स्ट टाइम जैसे इसको मैंने ऐसे लिया व्लॉग में, कुछ तो शर्म कर लो, सच बता दो। बट आज के तो ऐसे बता दो, ऐसे बता दो, ऐसे बता दो मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया तुमने या नहीं? नहीं, मैंने तुम्हें पहली बार ऐसे कपड़ों में देखा इसलिए मेरी हंसी निकल गई। क्या यार आप लोग बताओ यार, क्या क्या खराबी लग रही है भाई कपड़ों में, बताओ, सही तो है सारा कुछ बाकी क्या? और गाइस मैं ये भी बता दूं, जिसका ये दिल और वो क्या था बता दूं नहीं वो किसी और का था वो नहीं था भाई, वो किसी और ही का था, पता नहीं ये रखा है, ये नहीं था भाई मेरा, ये किसी लड़के को लड़की ने दिया था ये अंगूठी वगैरह। एंड मैन विल ऑलवेज बी मैन, क्या जो हम कर सकते हैं वो तुम क्यों नहीं है, ठीक है गाइस, बाकी आप समझ गए होंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।